بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام कल जो बयान हुआ था अमूमन कौल में एहतियात के सिलसिले में जो बात कहो समझ लीजिए कहो क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी के सवाल के जवाब में अमली का ले के लिए साधक अपने जबान को काबू में रखो। जबान पर काबू रखना बहुत अहम बात है, मामूली बात नहीं है। जो बात जहन में आवे दिल में आवे उसका कहना जरूरी नहीं है। हजरत शाह मुबिल्ला इलाहाबादी की बात भी नकल किया था कि हर सही बात कही नहीं जाती, उसकी मिसाल दिया है कि गीबत सही बात होती है। आप कह रहे हैं मर्द है मैं बयान करूं, पस ये पूछ यही गीबत साहबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर वो बात गलत होता गीबत ये कि सही बात है उसको भी पसे पूछना बयान करूं। साहबी को कहा फौरन इशकार किया उन्होंने या रसूलल्लाह अगर उसके अंदर वो बात न हो तब तो कहा तब तो बोहतान है गीबत तो नहीं है तो और बड़ी चीज है बुरी चीज है बड़ी चीज है बुरी चीज है। जबान की हिफाजत हिफ्ज लिसान बहुत बड़ी चीज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज लिसान की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जह फरमाया। जनाचे अमली काले के लिसान एक बहुत ही जामे लगे अपने जबान को काबू में रखो। मैंने इनसे कहा बाद में मैं बयान करता रहता हूँ उसको भी सबसे ज्यादा जबान को काबू में रखने की ये कुर्सी है। इस कुर्सी पे बैठ करके जबान की हिफाजत करो, वाहियात खुराफात न बको सुना ही नहीं हम। इस कुर्सी पे बैठ करके बड़ी जिम्मेदारी है इस कुर्सी की। लामा शारिरी ने फरमाया कि ये कुर्सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी है। जो भी यहाँ बैठता है वो नियाबतन बैठता है, इसारतन नहीं वरासतन बैठता है, मूरिस नहीं है वो, मूरिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुर्सी के हकदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो इस कुर्सी पर बैठे उसको अपनी जबान के बहुत हिफाजत करनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना निकालो जो शरीयत के खिलाफ हो दीन के खिलाफ। ये कुर्सी हर की बजाय निशस्त वो मर्दुमा बवे मुतवज्जह शुदन वो रहमा बात कर के अम्बिया अलैहिस्सलाम कर दन। जो शख्स किसी शेखुखत के कुर्सी पर बैठा दरस तदरीस की मसनत पर बैठा वाद और तकरीर के मनसब पर बैठा उसको वही करना चाहिए जो नबी ने किया है, उसको वही करना चाहिए जो अम्बिया ने किया है। तुम्हारी बाप की कुर्सी नहीं है, नबी की कुर्सी। तुम इस हिस्से से बैठे हो कि हम नबी की नियाबत करेंगे, इसमें बैठे हैं आप, इसलिए आए हैं कि नबी की बात सुने, मेरी बात सुनने के लिए नहीं आए। नबी नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर की बजाय निशस्त वो मर्दुमा बवे मुतवज्जह शुदन हमा बात करके अम्बिया अलैहिस्सलाम कर दन। क्योंकि तुम इस मामले में पसरव है, मुकल्लिद हो असल नहीं हो, ये भी हो जाए। इस वजह से अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस कुर्सी पर इस कुर्सी के हक अदा करने की तौफीक दे। अनाप शराब इस कुर्सी पर बैठ के नहीं करो, नबी की कुर्सी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आज इस कुर्सी की इज्जत नहीं की जा रही है, दुनिया में फसाद फैला हुआ है, जो चाहे जो चाहे। अगर ये इश्तेहार हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी है तो अनाप साहब बोल सकते हैं जबान नहीं खुलेगी,
बहुत बड़े शकुरादी से बिहार के मैं बयान कर रहा था ये कुर्सी मौलाना बुढ़ा सिंह का बहुत काबिल आदमी बहुत बहुत मुतासर समझ बुझ के बोलो यार अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे सही तर्जुमानी की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तर्जुमानी। मैंने कहा देखो वजीर खारजा जो होता है दूसरे ममालिक में जाता है तो क्या यहाँ के नजरियात के खिलाफ बोल सकता है वहां पर? नहीं बोल सकता। हर नौ फलक की खबर रखते हैं कि क्या बोल रहा है, हमारी तर्जुमानी कर रहा है या नहीं कर रहा है। आते ही मादूर हो जाएगा वो। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तर्जुमानी है सही तरीके से होनी चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं मुझ तक ऐसी बात न पहुंचाया करो जिससे मैं कबीदा खातिर हो जाऊं, मेरे इंशराह में कम हो कमी आ जाए। मैं चाहता हूं तुम लोगों में इस हाल में आऊं कि मुनशरह कल्ब हूं, कल्ब मेरा मुनशरह हो। क्योंकि अगर दिल तुम्हारी तरह से मुशरे होगा तो फर्ज पहुंचेगा वरना मुकद्दर हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जुमानी की तौफीक दे। अदब अदरों को कुल आदाब तरीक सब के सब अदब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब सिखाया, सूरह हुजरात में आदाब ही सिखाए गए हैं। तफसील हो जाएगी, देर हो जाएगी। महाबरा साथ हमने कुछ सुना सूरह हुजरात को हर आदमी को पेश नजर रखना चाहिए। और अभी रवायत देखा कि सूरह नूर को हर औरत को पढ़ना चाहिए। सूरह नूर को उसमें भी आदाब है औरतों के मर्दों के सूरह नूर में। और ये मैंने महाबरा भर साथ सूरह हुजरात हर शख्स को या पेश नजर ला तना अलकाब के साथ दीन ना हको, किसी को बुरा ना करो, औरतें मर्द किसी को जली है बहुत पढ़ने सर लोग। सूरह हुजरात में आदाबी सरासर आदाबी आदाब है, सूरह नूर में आदाबी आदाब है। हजरत आयशा की बरात का उसमें वाक्य है क्यों जबान को खोलते, वहां भी जबान ही है। साहबा से भी जबान कुछ खुल गई थी और अगर मौका आया कि नहीं पढ़ा पूरा जो नूर में देखी मुझे तो वही पढ़ रहा हूँ। कितने आदाब है, हजरत आयशा की बात तुमको पहुंची थी तो तुम दरगुजर करते उन्हें गुफ्तगु में क्यों शरीक हो गए तुम इस पर नकीर। लेकिन हजरत मिस्ता भी शरीक हो गए थे। हजरत बुखार सिद्दीक ने कहा मेरी बेटी के साथ इन्होंने ये किया जो उनको मदद करते थे बंद कर दिया अल्लाह के उन पर। फिर भाई कि तुम मेरे लिए देते थे कि आयशा के लिए दे रहे थे, ये आदाब। आयशा को अवल तो शिकायत नहीं करना चाहिए था, आयशा से कोई बात सुनी थी दरगुजर करते तुम्हें शरीक क्यों हुए? खुश हुए कि जो उनको धजिया वगैरह देते थे बंद कर दिया अल्लाह ने। फिर हिदायत किया कि तुमको ये बंद नहीं करना चाहिए था, जो देते थे हमारे लिए देते रहते। ये अल्लाह की तालीम तालीम तरबियत। आयशा के तोहमत में शरीक आदमी के लिए कहा जा रहा है कि जो जारी किए हुए थे नफका वो जारी रखो सरकार। ये तालीमात इलाहिया है जिसका वह मुख माने कौन न तालीमात इलाहिया को जाने तालीमात नबविया को जाने। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान की तालीमात पर हदीसों के आदाब पर अमल करने के तो अमली कले के निशान है। जितनी इंतजाम निजात इसी में है कि अमली कले के निशान है अपनी जबान को काबू में रखो। दूसरी हदीस शहर में आई, एक साहबी आए उन्होंने कहा बिल्कुल वही अंदाज। उन्होंने क्या कहा मन निजात, निजात किस चीज में है? साहबी ने क्या कहा था मन निजात। वो सवाल करते थे निजात किस चीज में, हम उस वक्त निजात हमको मिल ही चुकी है, हमको पूछो नहीं क्या जरूरत आ गया, यही बड़ी बात सोच सुनने वाला है। वहां तो साहबी आ रहे हैं नबी की सोहबत में रहने वाला शख्स क्या कह रहा है मन यार सुल्ला निजात किस में है? ये नहीं कि किसी पीर से मुरीद हो गया हम निजात तो हो ही जाएगी,
पहचान पहचान के और मार को लेकर जनरल में घुस जाएंगे, जाने नहीं पाओगे, तुम ही नहीं जाओगे, तुमको लेकर जाओगे। वो क्या कर रहे मन लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर है, किसी बात पे एक शख्स से खुश हो गए, यहां मांगो, क्या मांगते हो? या रसूलल्लाह, हम आपकी मुआयत चाहते हैं जन्नत में। कहा ये ना मांगो, क्या नहीं ये तो आपने कहा है। कहा अगर ये बात है तो आइन्ना पे कसरत सुजूद, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, मैं नहीं ले जा सकता जब तक तुम खुद भी नहीं कुछ करोगे, नमाज रोजा करोगे तब ले जाऊंगा। हदीस है ही नहीं। अब ये कि किसी पीर से मुरीद है वो काफी हो, कुछ नहीं करेगा, वो तो खुद ही जहन्नम में चला जाएगा। महशर में जो शेख आए आमाल नदारत, ये हमारे बहुत से बूढ़े शरीफ थे जमाने में, तो ये सब पढ़ते रहते थे। मैं कहा तो हमारे ऊपर पढ़ रहे। महशर में जो शेख आए आमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। ताजिर किसका होता है? शेख अमाल का, अमाल खुद नहीं करता, क्या ये जानने में कि नहीं। महशर में जो शेख आए अमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही। साहबी ने अर्ज किया रसूलल्लाह अपनी माइयत, क्या नहीं, क्या हमको तो यही चाहिए, आपकी माइयत हमको नसीब हो जाए साथ। क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि अरे तुम तो हो ही हो, नहीं ये नहीं, अमल का मुकल्लफ किया। आइन ने बेकसर थी सुदूर, मेरी मदद करो। नबी कह रहा है अफजलुल मुर्सलीन अशरफुल अंबिया, वो कह रहा है नहीं नहीं ठीक है तो तुम हो जाओगे, ये नहीं कहा, कहा तुमको भी कुछ अमल करना होगा। आइन नी है यही है ना, यही आइन नी बेकसर थी सुजूद, कसरत सुजूद से तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी, मैं खुद नहीं ले जा सकता, तुम भी कुछ मेहनत करो, तुम्हारे अमाल के साथ मेरी शफात होगी तब जाओगे। ये हकायक है शरीयत में, शफात को भी एकदम से आम कर दिया है और उसको भी आम कर दिया, बस तीन से मुरीद हो गया, आम हो गया, खुद बेचारा मर गया, वो क्या करेगा, कौन किस पकड़ में आ जाएगा। हम लोग जाते हैं लंदन मौलाना वगैरह के, तो अखीर में एक मरहला आता है, तो उसी को बुनियाद होती है मुल्क में जाने की। ये सब यहाँ चाहे इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, सब देते चले जाते हैं, अखीर में जाकर के खास चिकन होती है, उसमें पकड़ में आ जाते हैं बहुत से लोग। हम लोग छूट गए, हमको एक पकड़ा, एक आदमी कहा मकबूल नहीं थे, बस दास रुका, अब बस दूसरा अंग्रेज आया और कहा कि अरे कितनी मतलब आ चुके हैं, छोड़ो आगे बढ़ाओ, और कितने लोग पतरूम सब मान सर फिर वापस वापस वहां पहुंच के वापस। जब यहाँ के ऐसा ये होता है तो वहां नहीं हो सकता। शैतान गया एक बुजुर्ग के पास, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के पास, कि आप हमारे कैद मकर से छूट के जा रहे हैं। देखिये अखीर धोखा था उसका, शैतान का बहुत होशियार मक्कार। कहा आज आप हमारे कैद से मक से छूट के जा रहे हैं। कहा अभी कहाँ छूटा, एक लम्हा जो बाकी उससे छूट जाए तब मैं समझूंगा तुम तो, अभी हमको अगर हमारे अमल पर नजर होगी हमारी बस खत्म हो गए तुम। हमको तो अल्लाह के मदद, अल्लाह के उम्मीद पर, रहम और करम पर हम जा रहे हैं। ये एक लम्हा जो है बाकी है जान निकलने को, तुम आए हमको धोखा देने की ताकि तुम्हारी तरह हमारी तवज्जो हो जाए। यह बहुत मशहूर सब चीजें, शैतान का धोखा होता है। बहरहाल अमली का लेके लिए जमान को काबू कर, इस कुर्सी पर बैठने वाले को बहुत ज्यादा मोहताज होना चाहिए। शाह वलीला साहब मुजद्दिद अपने वक्त के हैं, हर की बजाय निशस्त मर्दमा बबे मुतवज्जा शुदन, पूरा हम बात करके अम्बिया अलैहि सलातो सलाम का धन। मुझे इतने ही मर्तबा क्या बोलते, इतनी बता एक भी याद नहीं होगा, हमने कोई याद थोड़ी किया है, माशा रसूलल्लाह साहब से सुनते सुनते सब याद है, इतनी मर्तबा इस चीजों को बयान करते रहते थे जब याद, हमारे कोई नहीं याद थोड़ी नहीं, हम भी पढ़ते रहते ही नहीं, लेकिन याद है हम लोगों को कुछ नहीं याद, किसी को याद नहीं।
ना हमारे लड़कों को याद है ना हमारे, सिर्फ कभी नहीं याद किया अल्लाह का शुक्र है। हर की बजाय निशस्त वो मर्दमा बवे मुतवज्जा सुदन पूरा हुमाबाद के अंबिया आलिम सलात अब दूसरा लफ्ज नहीं याद है क्या है, क्योंकि इस मामले में वो पसरव और मुकल्लिद है असल नहीं है। ये लफ्ज मुझे भूल गए फारसी में क्या है पसरव, पसरव पीछे चलने वाले मुकल्लिद मारे मुकल्लिद जानते ही है। अल्लाह ताला ने शाह साहब से कैसी तालीमात फैला दी मुजद्दिद अपने वक्त का तस्वूर को भी खंगाल के सामने रखा उन्होंने मुजद्दिद। अल्लाह ताला ने बहुत निस्बत सूफिया अल्लामा को लिख के भेजा हमारे अगर शागिर थे लेकिन रुजू कर लिया था उन्होंने खुद लिख के भेजा निस्बत सूफिया गनीमत कुबरा रुसू में ईशा है जे अर्जद बस सूफिया की निस्बत गनीमत उसको हासिल करो इनकी रसूम अब रसूम ही रसूम है दीदी इतना शाह साहब छाने हैं रसूम में ईशा है जे अर्जद इनके रसूम की कोई वक़्त नहीं कैसे बैठे कैसे मसल लगाए हो कब टेक लगाई कोई चीज सुनने के मुताबिक बैठो यही सब कुछ है कि टेक को उड़ाना कुछ नहीं है। लेकिन सूफिया के इन चीजों को ज्यादा हयात लोगों को याद है उनकी तालीम मलहूद नहीं है कैसे बैठते थे कैसे उठते थे बस यही सब याद है रसूम में ईशा है नहीं याद इनके रसूम की कोई बात नहीं। किसको लिखा अल्लामा को लिख रहे हैं अपने उस्ताद को सदर मस्जिद दारुल देवबंद को लिख रहे हैं अब चूंकि अब शेख बनाया था जब हजरत को तो पूरी बात लिखा निस्बत सूफिया गनीमत रसूम ईशा है ही नहीं हजरत इनके रसूम की कोई वक़्त नहीं मगर ये भी आगे लिखा कि बहुत से लोगों को नागवार होगा हुआ करे मुझको मुतय्यन किया गया इस वक्त मैं बयान करता रहूंगा जहां तक अल्लामा ने कहा कि भाई ये तो पहले की बात ही है भाई उनका मिजाज था फरमाया कि हजरत निस्बत सूफिया फर्ज आयन है जैसे माँ बाप से ताल्लुक फर्ज आयन है जैसे अल्लाह से ताल्लुक फर्ज आयन है तो कोई इसकी फर्जियत को कोई साकित नहीं कर सकता नवयत को साकित कर सकता है कि उस दर्जे के ना हो लेकिन नब्ज फर्जियत जैसे हुजूर पर फर्जियत थी नमाज की वो हम पर नहीं है लेकिन सजदा रुकू करोगे कि नहीं ऐसे करना तो तुमको जरूरी है रसूम ईशा है ही नहीं अर्जन इनके रसूम की कोई वक़्त नहीं है असल चीज निस्बत हासिल करना उसकी फिक्र नहीं बुरी दर्द असर कार पैमंदा बफर असर काब से काफिल हो चुके हैं पुरुआस में पड़े हुए हैं ये बिदात आ गई इन बिदात को हर थानवी ने दूर किया है मुजद्दिद अपने वक्त में शाह वलीउल्लाह साहब ने किया फिर हजरत मुजद्दिद ने किया पूरी निखार कर दिया शरीयत को तरीकत को महाराज अमली के लिए सारे अपने जबान को काबू में रखो। दूसरी हदीस मेरे जहन में आई थी बहुत देर हो जाएगी वहां भी साहबिया उसी अंदाज का सवाल किया या रसूलुल्लाह इज़नी व औजिज़ या रसूलुल्लाह इज़नी नसीहत कीजिए अब मुख्तसर कीजिएगा ये भी बेतकल्लुफी में कह दिया नसीहत तवील न करने रहेंगे घंटों मैं डरते ही रहता हूँ आज तवील ना साहबी ने कितनी बेतकल्लुफी कहा या रसूलुल्लाह इज़नी व औजिज़ नसीहत कीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए मैंने कहा किसी पीर से कह सकता है साहबी ने कहा रसूल से कह दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा बेतकल्लुफ रखा था कि शरीयत के तालीम और तरबियत में कोई खलल ना आने पाए हो सकता है एक साहबी चाहता हो पूछना मारे डर के मुझसे न पूछे अगर ऐसा भी जो आता था कहा पूछती थी साहबी पूछते रहते थे अजनी और जी तुझे को क्या वहां दूसरा नुस्खा निजात पर वहां सवाल तो वही है यहां भी वही सवाल है लेकिन क्या है इजाकुम तरी सलाह फसल सलाह तो मुद्दे जब नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो वो रुख्सत करने वाले हो जैसे बाल बच्चों से रुख्सत जब होता है तो कुछ देखता है घर देखता है देखो हम वापस आते हैं नहीं आते हैं क्या होता कि नहीं कैसी मिसाल दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कर सकता है ये नबी ही इसकी तर्जमानी कर सकते है पीर उड़ कुछ नहीं करते ये कर या नहीं जाहिर है जल्द जो इस रास्ते में आई नहीं वो क्या जाने मुझे
सलाह, अगर ये पेशे नजर हो तो नमाज में खुशी पैदा हो जाएगी नहीं, एक सुई तली सलाह वसल सलाह तो मुआ से जब नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह खड़े हुए कि तुम रुक सके बहुत रुखसती को कैसे आदमी मिलता है उसे समझो कि अब हम जा रहे हैं नमाज, अभी आखिरी नमाज है, अब खुदा से हमको मिलना ही है, सबको छोड़ के जाना है, हाथ झाड़ दिया का कुछ नहीं, सब हाथ करो तो समझो कि सबको झाड़ दिया है, अब अल्लाह है हम, यही है तकबीर तहरीमा को अल्लाह अकबर जो कहा, अल्लाह बड़ा है, न बाल बच्चे बड़े हैं, न हुकूमत बड़ी है, न सल्तनत बड़ी है, कौन बड़ा है, अल्लाह अल्लाह अकबर, ये नियत करो कि तुम्हारे सामने किसी को कोई हैसियत नहीं है सिवा अल्लाह के, जब नमाज के लिए खड़े हो ऐसे रुखसत करने वाले हो, सफर में जाते हो रुखसत करते हो तो क्या है, ए अल्लाह हमारे बच्चों की आप हिफाजत कीजिए, आप मेरे बेहतरीन खलीफा आप हैं, मैं क्या कर सकता था, आप तो है ही है मेरे आप ही मेरे बच्चों के मेरे घर में बहुत देर जाएगी, दूसरी बात क्या फरमाई वही बयान करना है, बोला तकल्लम बेकलामिन तादिरो गदर, ऐसी बात ना करो कल के दिन उसे करना पड़े, आगे नहीं कल वाली बात आएगी, मन निजात अब निकले के लिए सानक, बोला तकल्लम बेकलामिन तादिरो गदर, ऐसी बात ना करो कि कल के दिन तुमको उसे करना पड़े, हमारे वजीर वगैरह भी कह देते हैं दूसरे दिन आता है उनकी तरदीद कम से गलती हो गई, क्योंकि ये शरीयत तो सबके लिए है, क्या ये उसे अलग है क्या, उम्मत दावत ये भी है, हर काफी उम्मत दावत में शरीक है, दावत सबको है खुदा की तरफ से, नबी सबके लिए आया है, उसकी तालीमात सबको है, जब उन तालीमात पर ये अमल करेंगे निजात मिल जाएगी फलाह आ जाएगी, उन्हें कभी दुरुस्त नहीं हो सकती हुकूमत है, अल्लाह का दीन सबके लिए, नबी सबके लिए नबी है, किताब सबके लिए किताब है, दूसरी बात बोला तकल्लम बिकलामे दाबिर वदर, ऐसी बात ना करो कल के दिन उसे करना पड़े, सोच समझ के बोलो, अगर वही बात आ गई अमली करे ले सारे कहते सोच समझ के, जब सोच समझ नहीं बोलता तो उसको माफी मांगनी पड़ती, अरे बस जबान निकल क्यों निकल गया, जबान को काबू में रखो, तकल्लम बिकलाम दाबिर वदर, जवान के पास एक साहबी का इंतकाल हुआ, जवान उनकी माँ ने कहा मेरा बेटा जन्नत में पहुंच गया, उन्होंने फरमाया कैसे तुमने कहा जन्नत में पहुंच गया, हो सकता कोई लग वो बात किया हो जिसकी वजह पकड़ में ना आ गया, नबी से हदीस है नहीं हदीस आए उर्दू में नकल किया, हो सकता तुम्हारी बेटिया ने ऐसी बात कही जिसकी वजह पकड़ में आ गया, तो पकड़ में आते हुए मिसाल दिया लंदन लंदन जाता हूँ पकड़ में आ जाते हैं, हम लोग ने कहा वो मानो की तरफ लाइन पर मैंने उधरा उधर को देखा लाइन में लगी कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला सुन लो वहां की पेशी में कामयाबी है, तब आखिर तो वही है, ला तकल्लम बिकलाम ताज़र वदर, कल के दिन उदय काम है, वो आज मिलियास अम्मा पे अली नास, ये है नसीहत, ना उम्मीद हो जाओ लोगों से, वो अजम लियास अम्मा फी अयदी नास, लोगों के हाथों में हो उसे ना उम्मीद हो जाओ, किसी उम्दा नसीहत है, जब लोगों से ना उम्मीदी अख्तियार करोगे तो अल्लाह से उम्मीद बढ़ेगी, अल्लाह कामयाब करेगा, वो अजम लियास अम्मा फी अयदी नास, लोगों के हाथों में उसे ना उम्मीद, जितना उसे ना उम्मीद रखोगे उतनी कुल्फत होगी, उतनी अदावत होगी, उतनी मुखालफत होगी, उसे ना उम्मीद हो जाओ अल्लाह के भी मुअज्जज हो जाओगे और उसके नजदीक भी तुम मुअज्जज हो जाओगे, जिससे उम्मीद नहीं रखोगे, उम्मीद रखने की वजह से तुम जलील हो, उम्मीद मुनकता करो तो अल्लाह भी तुमसे राजी और वो भी राजी हो जाएगा, बहरहाल ये तालीमात नबवी है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तालीमात को पेश नजर रखने की तौफीक बना, पेश नहीं सबके लिए जरूरी है हमारा।
सबके लिए अदब लिहाज, किसी को कुल्फत न पहुंचे। मैंने कल पढ़ा था थानाबाद में, वही से आ जाके आजारे नबाशत कसेरा बाकसे काले नबाशत, कल इसी पर बैठ गया था आदाब पर। अब क्या होता जाने जी, वो है नहीं मेरा प्रश्न नहीं कहता। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आदाब से मुअद्दब करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सापा सावा अदबी अदब कहा था, अपनी आवाज को पस इतनी पस के सुनाई नहीं पड़ती थी, अदब रखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग बम्बई गए थे हजरत के बाद, बाकी अजमेरी मजबूर सब कुछ जानते हैं, अजमेरी बहुत निगे लड़के वहां है यहाँ है, बोली किसी बात पर जरा सा आवाज बुलंद हो गई, बड़ी जोर से उन्हें डाटा, ला कर पाऊसौदी नबी डाल दिया। अब आगे तस्वीर क्या करें, इन मेरा पर इन मजालिस का भी अदब है, अल्लाह ताला इन मजालिस का अदब की भी तोफी। रफे सौत मना है, फिजूल बातें मना है, मैंने कुछ नहीं इस्लाम मरे तर्क को मारा है। बहरहाल ये आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको पेश नजर रखना हम सभी के लिए है। आज इसको समझते भी नहीं, ख्वाब भी नहीं समझते, आवाम क्या समझेंगे। जितना अदब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उतनी हुजूर की कफ़ायत पहुंचेगा, हम बादी तौर से फर्ज पहुंचेगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह से आफियत भी मिलेगी, हिफाजत भी हमारी होगी। और जब इन चीजों को नजरअंदाज किया जाएगा, इसकी कोई वक्त नहीं होगी आदाब। एक मिसी आदमी बहुत अच्छा लिखता है कि तुमको हुजूर की आदाब में कौन सी कमी मालूम हुई कि तुमने छोड़ के दूसरों की तहजीब इख्तियार कर ली। आज जो तहजीब आती है सबसे पहले मुसलमान को देखता है। एक दिन आया एक आदमी यहाँ बैठा हुआ था मिलने के लिए, सब नंगे सब यहाँ तो सब मैं भगा दू निकल आ रहा है। सबसे बड़ी जो आप हुजूर के आप कदर नहीं कीजिएगा उनके आदाब की, तो आपकी भी कदर वहां से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जज है वहां पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दरवाजे मेराज में खुल गए, खुलते चले गए आगे नहीं। इससे बड़ा उतना बड़ा एजाज किसी नबी को नहीं मिला। सब उनके इस्तकबाल के लिए हर आसमान पर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील भी नहीं पहुंच सके। जब पहुंचे जिब्रील शाम रुक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचा दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इन आनंद सोहबत चिरा ताफ्ती ऐसे बामरतबा। जब आपने हमको मुखलिस पाया तो क्यों रुक रहे हैं यहाँ पर गारे हेरा में? जिब्रील सलाम गालिब थे, यहाँ हुजूर गालिब हो गए। जिब्रील सलाम की मलकियत यहाँ गालिब थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्दा बड़ा नाम हो गए, वहां पर हुजूर की मलकियत जिब्रील पर भी गालिब आ गई। जिब्रील की मलकियत पर जिब्रील के फरिश्ते थे वो, लेकिन हुजूर की बशरियत को छोड़कर के मलकियत के जामे में आ चुके थे। तुतर दोस्ती मुखलिस समझाप थी इनानंद सोहबत चिरा ताप थी। अगर चले बस सोजत पर है ना पर तजल्ली हमको जला देगी। ये तकरीर हमने ये लग साउथ अफ्रीका में बयान किया था, ये बूढ़ा साहब थे, कहा आपने आपने सीरत को ऐसा बयान किया है कि मैं तो चेहर चुम लिया तो कुछ ऐसी कहा था याद होगा बैठे हुए इन आनंद सब चेहरा था। जब हमको आपने मुखलिस पाया तो क्यों आप पीछे हट रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि अगर एक मुंह के बाल के बराबर दूर होगा कि तजल्ली हमको जा डालेगी। बोस्ता में इतनी सीरत की उमदत है, ये लोग कहते हैं फारसी निकाल दो ये मोली लो, फारसी निकलेगा ये गड़बड़ सब होगा जो हो रहा है, फारसी का रहने दो। अल्लाह ताला ने
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो उसके मैं इस पर कह रहा हूँ कि हुजूर की जब इतना मर्तबा कि मेराज का वो दर्जा जो हुजूर किसी नबी को हासिल नहीं हुआ, उनकी तालीमात भी ऐसे ही हैं जो किसी को हासिल नहीं हुई। जामे तालीम यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम इस्लाम दीन। आपका दीन भी कामिल, आप भी कामिल, किताब भी कामिल, सहाबा भी सब कामिल। अब सहाबा को कहना शुरू कर दिया सब उन्होंने, जंगली लोग जंगली वासी लोग। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की अजमत, अपने रसूल की अजमत, उसकी किताब की अजमत अल्लाह हमारे दिलों में